यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर अब घर कैसे आएंगे और इसको लेकर के सरकार ने क्या निर्णय लिया है, आखिर सरकार क्यों नहीं स्पेशल बसों का इंतजाम कर रही है और आखिर इसको लेकर के निर्णय कहां पर लटका हुआ है, इसी तरह के तमाम सवाल का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। महाराष्ट्र ने तय किया है कि प्रवासियों मजदूर को ले जाने वाली बसों में 30 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, इससे प्रति व्यक्ति लाने का खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। यूपी बिहार से 42 लाख प्रवासी मजदूर फिलहाल अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, जो कि घर लौटने के लिए बसों और तमाम तरह के साधन का इंतजार कर रहे हैं। कई राज्य स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग भी कर रही है, लेकिन यही वजह है कि पंजाब बिहार जैसे कई राज्य ने केंद्र से प्रवासियों को लाने और ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखकर कहा है कि फंसे हुए मजदूर की इतनी बड़ी संख्या में कैसे लाना संभव है और इसके लिए स्पेशल ट्रेन अगर चलाई जाएगी तो फिर ज़्यादा आसान होगा, इसमें सरकार की सहमति के साथ रेलवे बोर्ड की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी तरह बिहार से कई मजदूर ऐसे भी हैं जो कि बाहर फंसे हुए हैं, इसको लेकर के आने वाले दिनों में जल्द ही स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है जिसमें कि प्रति ट्रेन में 1000 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं लाया जा सकेगा। इसको लेकर के 400 ट्रिप स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाने की योजना बना रही है, जिसको लेकर के 1100 इंजन को तैयार करने को लेकर के रेलवे पहले ही सूचना दे चुकी है।